कर देंगे हम लोग, तो उस केस में ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ही बन जाएगा ना। तो एफ एक्स पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। एफ एक्स बिकम्स अ कांस्टेंट, जो हमको यहाँ पर ऑप्शंस में चाहिए, कब, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आई स्टडी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 67th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है वेस्ट बंगाल जेई WBJEE 2018 का, चार क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है इस पेज में, और यहाँ पीछे मैंने और दो क्वेश्चन ले लिया मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से, वेस्ट बंगाल जेई 2018 से। ये क्या है, स्टेट एग्जाम है। अगर आपको नहीं पता है तो वेस्ट बंगाल जेई का, जैसे ऑल इंडिया एग्जाम होता है जेई मेन, नीट होता है, IIT जेई होता है, वैसे स्टेट के जो जेई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें वेस्ट बंगाल जेई एंट्रेंस एग्जाम का जो नाम है उसको कहते हैं WBJEE, ठीक है ना। तो बहुत बार स्टेट एग्जाम्स में भी हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लोग ट्रिक्स बहुत ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं, तो मेरे को आपको वो भी सिखाना है ताकि आप अगर कोई स्टेट एग्जाम देते हो तो भी आपको पता चले कि हाँ, स्टेट एग्जाम में भी आप लोग बहुत आसानी से ट्रिक्स लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल। यहाँ पे क्या आपके पास में एक सर्कल है इस तरीके का, एक पॉइंट पी है आपके पास में। अब क्या हो रहा है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपके पास में बन रहा है, और ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है उसके बीच में जो एंगल बन रही है कितनी बन रही है, 2α बन रही है। मतलब ये जो एंगल आपके उसमें कितना है, 2α का एंगल है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आपके उसमें इक्वेशन है ये भी क्या आपका अल्फा के टर्म्स में, देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करना है, लोकस निकालना है आपको किसका, इस पॉइंट पी का, ठीक है। एक्चुअल तरीका से अगर कर पाओ बढ़िया, नहीं कर पाओ जुगाड़ मेथड तो हमारे पास है ही। कैसे करेंगे सोचो यार सोचो, ये पी जब यहां आ जाएगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा ना, है ना। तो ये पी जितना आगे जाएगा, ये पी अगर पीछे जाएगा तो ये जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में, वो एंगल क्या कम होगा। मतलब जितना पी आगे जाएगा उतना एंगल हमारा बढ़ जाएगा, करेक्ट है। तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मान लो कि ये पी पॉइंट को यहां से उठा के आगे आगे ले आए, तो पहले ये बना, फिर ऐसा बना, फिर और आगे लिया तो ऐसा बना, फिर और आगे लिया तो ऐसा बना, क्यों ना इसको इसी के ऊपर बैठा दिया जाए। तो जैसे ही इसको इसके ऊपर बैठा जाएंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। ये जो एंगल था 2α, ये जैसे ही पी पॉइंट इसके ऊपर आएगा तो एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, है ना। एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना 180 डिग्री, एक उस तरफ एक इस तरफ तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि मैं 2α को 180 बनाना चाहता हूं। तो जैसे ही 2α हमारा 180 हो जाएगा तो उस केस में हमारा अल्फा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ के किया क्योंकि यहां पर हमारे पास में 90 पुट करते इजीली हमको वैल्यू यहां पर पता है, क्लियर है। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये इक्वल टू 0। यही तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब कि ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट निकल के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया, सिंपल सा बात है यार। अगर पॉइंट पी हमारा सर्कल पे ही लाई कर जाए, अगर पॉइंट पी हमारा सर्कल पे ही लाई कर जाए तो उस केस में हमारा जो एंगल बनेगा 2α का वो 180 डिग्री होगा, उस केस में हमारा अल्फा होगा 90 डिग्री, और उसी को हम लोग पुट करेंगे। अब कोई भी पॉइंट हो ना, सर्कल का ही तो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना लोकस को। जब हम पॉइंट पी को सर्कल पे ही बैठा रहे हैं तो पॉइंट पी का जो लोकस होगा वो सर्कल का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना, ठीक है ना। थोड़ा सोच के देखो, अगर आपको नहीं चमका तो थोड़ा सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। मैंने पॉइंट पी को उसी के ऊपर बैठा दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अल्फा ले लिया, और उसी को मैंने इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू बैठा दी, साइन थीटा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमारा इक्वेशन जो है सर्कल का वही हमारा लोकस हो गया, ठीक है। इससे खतरनाक ट्रिक मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई और हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट क्यू इज द इमेज ऑफ द पॉइंट पी 1,5। क्या बोल रहा है आपके पास में, ये देखो भैया डायग्राम बना लो, सबसे बढ़िया तरीका ऐसे आप डायग्राम बना लो। 1,5 देखो पॉइंट पी, ये है आपका 1,5 देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका 1,5 है, ठीक है। अब आप बोलोगे इतना एग्जैक्टली कैसे बना लिया, प्रैक्टिस से आता है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, स्केल लेके 1, 2, 3 वैसे करते हो ना, प्रैक्टिस करो आपका हाथ में आ जाएगा, इक्वल स्पेसिंग बैठेगा आपका, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल स्पेसिंग बैठेगा, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट ही हो। जब हम ट्रिक्स लगा रहे होते हैं ना, जब ज्योमेट्री बना रहे हो, हमको एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, हमको बस आंसर तक या उसके पास पहुंचना है, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या, एक लाइन है वाई इक्वल टू एक्स, लाइन दे रहे भैया वाई इक्वल टू एक्स, ये लो भैया वाई इक्वल टू एक्स लाइन हो गया हमारे पास में। ये क्या हमारे पास में पॉइंट पी है, इसका इमेज बन रहा है क्यू, क्यू क्या है हमारे पास में 1,5 का इमेज है। इमेज कैसे बनाओगे, ये लो भैया ये लो भैया, ठीक है ना। अब देखो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, ये लो भैया पेन से मेजर कर लो, ये यहां से यहां तक है, ये लो इसको यहां से आप यहां तक कर लो, मतलब रफली यहां तक आ जाएगा आपका, रफली काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली पता नहीं क्या है, ठीक है ना। उंगली से भी कर सकते हो आप, ठीक है, उंगली से आप लोग देख लो भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आपको सेम रखना है, तो ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा, उस तरीके से आप कर सकते हो,
ठीक है। तो ये हमारा रफ पॉइंट आ गया है। अब क्या करना है, ये पी हो गया, क्यू हो गया, अब क्या करना है आर निकालना है। आर क्या है, इमेज ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट वाई इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स क्या होगा, इस तरीके का लाइन होगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स बना लिया। अब क्यू का जो इमेज है वो आर है वाई इक्वल टू माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वापस से वही काम कर लो, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम कर लो, उंगली से देख लो, थोड़ा बहुत रफ डिस्टेंस आप देख लो या पेन से देख लो आप, ये देखो इतना डिस्टेंस ऊपर इतना डिस्टेंस नीचे हो जाएगा। तो ये आपका रफ पॉइंट आ गया आर का, क्यू आ गया, आर आ गया, पी आ गया, आपका रफ पॉइंट है, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है ना। अब क्या करो, ट्राइंगल बना लो, ठीक है, इनको ज्वाइन करके क्या दे रहा है आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, तो ज्वाइन कर लो आप तीनों को। तो ये आपका रफ ट्राइंगल आ गया पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है आपको, सर्कम सेंटर निकालना, तो सर्कम सर्कल बनाओ पहले, सर्कम सर्कल ये लो, रफ सर्कम सर्कल भी आ गया हमारे पास में, ड्रॉ कर लिया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, सेंटर निकालना है, इस सर्कल का सेंटर हम लोग को देखना है कौन सा होगा। तो चारों ऑप्शन में देख लो, 5.1 देखो आ रहा है क्या, नहीं 5.1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, नहीं आ रहा है, अप्रॉक्सिमेट समझ में आ रहा है, -5.1 -2 -2 ऐसे 5 तक जाओ 1 ऊपर, -5.1 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, देख के समझ में आ रहा है, 1.-5 -5 जाओ तो 1.-5 भी बहुत दूर आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0.0 हाँ 0.0 लग रहा है कि हाँ इस सर्कल का सेंटर हो पाएगा, समझ में आ रहा ना। तो फील करके हमने देख लिया कि भैया ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, 0.0, बाकी सब क्या है दूर दूर तक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, आपको तीन पॉइंट दे दिया है ए बी सी, ठीक है ना, तीन पॉइंट आपके पास में ए बी सी, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोल रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए बी सी, क्या बोल रहा है, ए बी सी आपके पास में है, उसका आपको बाइसेक्टर चाहिए, मतलब कि आपके पास में ए है बी है और सी है, तो ए बी सी ये जो एंगल बन रहा है ना ए बी सी, इसका आपको बाइसेक्टर निकालना है, ठीक है ना, बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है जो कि इन चारों ऑप्शन में से एक है। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन निकालते फिरोगे बाइसेक्टर का, क्या करोगे, नहीं भैया इतना टाइम नहीं है, देखो भाई बाइसेक्टर है बी का तो आपका वो बी पॉइंट से पास तो करेगा ही ना, समझ में आ रहा है, वो बी पॉइंट उसमें सेटिस्फाई करना ही चाहिए ना, ठीक है ना। अगर हम लोग लकी हुए तो हमको एक ही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, अगर अनलकी हुए तो एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट मिलेगा, फिर हमको और कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई, ठीक है ना। देखो सिंपल सा बात है, ए बी सी एंगल है हमारे पास में और बी का हमको बाइसेक्टर निकालना है, इसका बाइसेक्टर निकालना है, तो बी से तो पास करेगा ही ना फॉर श्योर, तो बी का जो कोऑर्डिनेट है 5.1 सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए, तो वो करा के देखो फिर बाकी का काम आगे सोचेंगे, आंसर आ गया तो बढ़िया बात है। 5.1 तो यहाँ x के जगह 5 बैठाएंगे या y के जगह 1 बैठाएंगे, तो यहाँ आ रहा है 7 + 7 + 2 9 और यहाँ आ रहा है 5, नहीं इक्वल तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन में देखो, y के जगह बैठाएंगे 1 तो 7 आ गया, x के जगह बैठाए 5 तो 5 + 2 7, यहाँ पे भी 7 है, हाँ भैया 7 = 7 सही लग रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। सी और डी और चेक कर लेते हैं, x के जगह क्या बैठाओगे 5 बैठाओगे, 7 5 जो होता है 35 + 2 और यहाँ पर आ रहा है 1, ना इक्वल तो नहीं है, गलत हो गया। 7x = y + 2 x के जगह 5 35 आएगा और यहाँ पर y के जगह 1 1 + 2 3 35 ≠ 3 ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई किया, क्या बी ऑप्शन सेटिस्फाई किया और वही हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल सा चीज़ है यार, ठीक है ना। ये जो WBJEE एग्जाम है ना इसका मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, 100 मार्क्स का वेटेज होता है, ऑलमोस्ट 50% शायद, मुझे उतना याद नहीं है ढंग से, बट 50% का वेटेज इसमें मैथ्स को दिया जाता है और हमारा जो केमिस्ट्री फिजिक्स होता है वो बाकी का 50 मतलब 25-25 100 मार्क्स का ये होता है और 50-50 मार्क्स का वो होता है, ऐसा कुछ करके टोटल 200 मार्क्स का पेपर बनता है। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हालत खराब भी रहती है इस एग्जाम के मैथ्स को लेके, ठीक है ना, बट क्योंकि आपके साथ में आयुष रेड्डी की ट्रिक्स है तो आपको किसी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, किसी एग्जाम से मैं नहीं कहूंगा, स्पेशली इस टाइप के एग्जाम से जिसमें कि जुगाड़ लग सकता है, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार जुगाड़ लगा पाओ, बट WebGEE में WBJEE में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से जुगाड़ लगा सकते हो, वैसा ही नीट में है, ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर में वैसे ही हमारे पास में JEE मेन के अंदर में है, ठीक है ना, JEE मेन में बहुत जुगाड़ लगता है, मैथ्स के अंदर में फिजिक्स के अंदर में IIT JEE में भी JEE एडवांस में IIT JEE में बहुत बार जुगाड़ लग जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में जुगाड़ लगेगा, बट हाँ जुगाड़ लगाने से हमारा मार्क्स ऑब्वियसली बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जुगाड़ भी नहीं लगे तो कुछ रिपीटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, कुछ पहले क्वेश्चन वापस से दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दिस देन द कांस्टेंट टर्म ऑफ एफ एक्स इज, अब देखो आपको कांस्टेंट टर्म निकालना है, मतलब कि मान लो कुछ ऐसा हो कि सम अल्फा एक्स टू द पावर 4 प्लस सम बीटा एक्स टू द पावर 3 प्लस सम गामा एक्स टू द पावर स्क्वायर, ऐसे करके कुछ हो, ठीक है, लास्ट में प्लस कांस्टेंट, ऐसा कुछ आपको सॉल्व करके मिलेगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है, और आपको ये जो कांस्टेंट टर्म आया ना यही आपको यहां पर निकालने बोला है, तो आप क्या करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, इतना टाइम किसके पास है ना, इतना हम नहीं करने वाले,
देखो आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए ना, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म कब आएगा, एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जब एक्स इक्वल टू जीरो, जब x इक्वल टू जीरो कर देंगे हम लोग, तो उस केस में ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ही बन जाएगा ना, तो एफ एक्स पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, एफ एक्स बिकम्स अ कांस्टेंट, जो हमको यहां पर ऑप्शंस में चाहिए, कब, जब x इक्वल टू जीरो हो जाए, तो x इक्वल टू जीरो यहां पर पुट करो और फिर इसको सॉल्व करो, बहुत इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा, मैं अभी करके आपको दिखाता हूं, यहां पर ये देखो इस तरीके से यहां पर x का वैल्यू जीरो पुट करो, वन टू द पावर ए वन बन जाएगा, 2 प्लस वन सॉरी जीरो टू टू द पावर बी हो जाएगा, है ना, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो यहां पर वन आ जाएगा, ये वन ऑलरेडी है हमारे पास में, ये आ जाएगा वन टू द पावर ए इज वन, वन टू द पावर ए वन ही होगा ना, वन टू द पावर एनीथिंग इज वन, ठीक है ना, वन टू द पावर फाइव इज वन, वन टू द पावर सिक्स इज वन, वन टू द पावर टेन इज वन, वन टू द पावर ए इज वन, टू टू द पावर बी, तो टू टू द पावर बी हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा टू टू द पावर बी, यहां पर आ जाएगा आपके पास में वन, यहां पर आ जाएगा आपके पास में वन, कर लो भैया आप सॉल्व, वन तो ये क्या आ जाएगा, वन इंटू वन माइनस टू टू द पावर बी, ठीक है ना, फिर सेकंड वाले के लिए क्या आता है, माइनस आता है, फर्स्ट वाले के लिए प्लस आता है, इसको काटो, इसको सॉल्व करो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, फिर सेकंड वाले के लिए क्या आता है, माइनस, ठीक है ना, तो माइनस टू टू द पावर बी, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, अब इतना आपको आना चाहिए सॉल्व करना, वन माइनस टू टू द पावर टू बी आ जाएगा हमारे पास में, टू टू द पावर टू बी आ जाएगा, समझ में आ रही बात, टू टू द पावर बी इंटू टू टू द पावर बी, 2 to the power b into 2 to the power b, तो क्या हो जाएगा 2 to the power b plus b, मतलब 2 to the power 2b, तो 2 to the power 2b आ गया, फिर क्या इसके लिए करो, plus 1 into this minus into this, मतलब 1 minus 2 to the power b, आप सॉल्व कर लो इसको, तो यहां पर आया 1, यहां पर आया 1, तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है भैया, क्या आया, minus 2 to the power b, minus 2 to the power b, मतलब कि, और यहां पर भी आएगा एक minus 2 to the power b, मतलब कि minus 3 इंटू टू टू द पावर बी, और यहां पर आया माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस टू टू द पावर टू बी, टू बी और यहां पर बी, तो आ जाएगा टू टू द पावर थ्री बी, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, टू टू द पावर बी इंटू टू टू पावर टू बी कितना हो जाएगा, टू टू पावर बी प्लस टू बी, तो टू टू पावर थ्री बी हो जाएगा, और माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, टू माइनस थ्री इंटू टू टू पावर बी प्लस टू, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट निकल के आ जाएगा, बाकी आप लोग सॉल्व करके ढंग से देख लेना, ये ट्रिक था, आप लोग एक्चुअल तरीके से करोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्या कर लिया, x का वैल्यू जीरो पुट कर लिया, तो एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी x के वैल्यू जीरो पर, वही हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, जो कि हमको क्वेश्चन में यहां पर निकालना है, ठीक है ना, तो यहां पर हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, पॉइंट पी को हमने सर्कल के ऊपर बैठा लिया, लोकस निकाल लिया, यहां पे क्या किया हमने, रफ डायग्राम बना के रफली पॉइंट्स चेक कर लिया, फिर हमने क्या किया यहां पर, बी पॉइंट की वैल्यू को यहां पर पुट करके हमने ऑप्शंस में से चेक कर लिया, और यहां पे क्या किया हमने, एक्स का वैल्यू जीरो पुट करके हमने एफ एक्स निकाला, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट के बराबर था, ठीक है, बाकी तो बस यही बात है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपने कुछ सीखा है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके, बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।